हिंदी विभाग के सभी श्रोताओं को निशिकांत का प्रणाम। अपने किए का क्या इलाज। गांव के किनारे एक किसान का घर था। घर के सामने ही उसके खेत थे। खेतों में गेहूं की पकी फसल खड़ी थी। खेती की रखवाली में पूरा परिवार रात दिन लगा रहता था। कई साल बाद इतनी अच्छी फसल हुई थी। सभी लोग प्रसन्न थे। इस फसल के भरोसे किसान ने कई मंसूबे पूरे करने के विचार किए थे। उसने गाय और बकरी के साथ मुर्गों तथा बत्तखों को भी पाल रखा था। मुर्गियों और बत्तखों के लिए घर के बाहर ही दर्रे में उसने रहने की व्यवस्था कर रखी थी। दरवाजे पर ही गाय और बकरियां बंधी रहती थी। घर के बाईं ओर एक छोटा सा तालाब था। मुर्गियां और बत्तखें तालाब में डोलती रहती थी, चुगती रहती थी। बत्तखें पानी में तैरती भी थी। पास में एक जंगल था। उस जंगल की एक लोमड़ी किसान के घर चक्कर लगा जाती थी। एक दिन मौका पाकर वह किसान की मुर्गी को ले गई। किसान को बड़ा दुख हुआ। घर के सभी लोग चौकन्ने होकर मुर्गियों और बत्तखों की देखरेख करने लगे। लोमड़ी अब और जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगी। वह बहुत सुबह झुटपुट और दिन डूबे तक अंधेरे में चक्कर लगाने लगी। मौका पाते ही कभी बत्तख को मार जाती और कभी मुर्गी को ले जाती। किसान ने लोमड़ी को पकड़ने और मारने के कई उपाय किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। एक दिन उसने जाल फैलाकर लोमड़ी को पकड़ लिया। किसान ने उसे तड़पा तड़पा कर मारने की सोची। उसने लोमड़ी की पूंछ में फटे पुराने कपड़ों को लपेटकर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। लोमड़ी के गले में रस्सी बांधकर एक खूंटे से बांध दिया। पूंछ में आग लगते ही लोमड़ी उछल कूद करने लगी। बच्चे हो हो करके हंसने लगे। कभी लोमड़ी पीछे हटकर गले से फंदा निकालने की कोशिश करती, कभी उछल कूद कर रस्सी में आग लग गई और रस्सी टूट गई। लोमड़ी निकल भागी। लोमड़ी ने सबसे पहले पूंछ में लगी आग बुझाने की सोची। वह सामने ही किसान के खेत में घुस गई। वह आग बुझाने के लिए खेत में इधर उधर दौड़ने लगी और अपनी पूंछ को पौधे से रगड़ की हुई भागती रही, दौड़ती रही। देखते ही देखते सारा खेत धुँ धुँ कर जलने लगा। खेत आग की लपटों में भर गया। एक दो घंटे में किसान की लहलहाती फसल जलकर राख हो गई। किसान के घर में मातम सा छा गया। रात को सोते समय उसे नींद नहीं आई। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अपने किए का क्या इलाज। आपको यह कहानी कैसी लगी? लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।